कैमोमिला होम्योपैथिक दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है, किस तरह का लक्षण दिखाई दे तो यह दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आज सब कुछ बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताएंगे, जिससे आप लोग को हमेशा याद रहेगा कि कैमोमिला दवा कौन कौन सी बीमारी में काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन जीके में। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप मैसेज करें। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी लोगों की बीमारियों में यह दवा का प्रयोग किया जाता है और बहुत ही बढ़िया लाभ मिलता है। फिर भी यह दवा बच्चों की बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभ करता है, बच्चों की बीमारी में बहुत ज़्यादा ही काम करता है। मानसिक लक्षण, इसका रोगी बहुत चिड़चिड़ा और क्रोध रहता है, साधारण सी बात पर झगड़ा लड़ाई करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, मारपीट करने लगता है, बहुत गुस्सा करता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 30 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी मानसिक लक्षण ठीक हो जाएगा। महिला अपने स्तन का दूध बच्चे को पिलाने के बाद भी स्तन का दूध बूंद ब बूंद टपकते रहता है, बूंद ब बूंद दूध गिरते रहता है। महिला अपने बच्चे को स्तन का दूध पिला देती है, फिर भी स्तन से दूध बूंद ब बूंद टपकते रहता है, गिरते रहता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जो महिला अपने स्तन का दूध बच्चे को पिला देती है और उसके बाद स्तन से दूध बूंद ब बूंद गिरते रहता है, तो दूध गिरना बंद हो जाएगा। आप कैमोमिला 200 दवा का प्रयोग करें। बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं, रोते समय बच्चा बहुत गुस्सा में रहता है, कोई भी चीज़ हाथ में देने से बच्चा तुरंत नीचे फेंक देता है, वो कोई भी चीज़ हाथ में नहीं पकड़ेगा, आप पकड़ाइएगा और तुरंत वो नीचा फेंक देता है और बहुत रोते रहता है। वो सिर्फ बच्चे गोद में ही शांत रहते हैं, गोद में लेके घुमाइएगा तो बच्चे शांत रहेंगे और नहीं तो बहुत चिल्लाएगा। दोस्तों तो आप कैमोमिला 30 दवा का प्रयोग करें। दोस्तों अगर 6 महीने से नीचे के बच्चे हैं तब आप पानी में बनाकर बच्चे को दबा दी। दांत में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मुँह में गर्म पानी या गर्म चीज़ रखने से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, मुंह में गर्म पानी या गर्म चीज़ रखने से और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 30 दवा को दो दो बूंद दो दो घंटा पर पीने के लिए दे, बहुत जल्दी दांत दर्द ठीक हो जाएगा। बच्चों को दांत निकलते समय बहुत दस्त होता है, बच्चे को पतले दस्त होते हैं, सरे अंडे की तरह गंद रहता है, मल हरा पीला और गर्म रहता है, मल बहुत गर्म रहता है और मल द्वार में खाल उधेरने जैसा घाव हो जाता है। मल बहुत गर्म रहता है, हरा पीला होता है और एकदम पतला होता है और खाल उधेरने जैसा मल द्वार हो जा रहा है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 30 दवा का प्रयोग करें। अगर बच्चे 6 महीने से नीचे के हैं तब आप कैमोमिला 30 दवा को पानी में बनाकर। पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा जलन रहता है, जिसकी वजह से रोगी तलवे को बिछावन से बाहर निकाल देता है, पैर को अपने बिछावन से बाहर निकाल देता है, तलवे में बहुत ज़्यादा जलन रहता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एक तरफ का गाल गर्म और लाल रहता है, दूसरी तरफ का गाल पीला और ठंडा रहता है। एक तरफ का गाल गर्म और लाल रहता है और दूसरी तरफ पीला और ठंडा रहता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दर्द बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिसके वजह से रोगी रात में बिछावन से उठकर इधर उधर घूमते रहता है, सोता नहीं है, इधर उधर घूमते रहता है। घूमने से दर्द आराम मिलता है, दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है, बिछावन पर सोने से दर्द बढ़ जाता है और इधर उधर घूमने से चलने से दर्द में आराम मिलता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 200 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गैस, पेट में पूरा वायु इकट्ठा हो जाता है, पेट दर्द करने लगता है, गैस पूरे मुंह तक चलाता है, ऊपर मुंह तक चलाता है। तो दोस्तों आप कैमोमिला 30 दवा को दो दो बूंद सुबह शाम पीने के लिए दे, बहुत जल्दी गैस समाप्त हो जाएगा। कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कान में सूजन वगैरह हो गया है या कान के भीतर टपक टपक की तरह दर्द रहता है, तो दोस्तों आप कैमोमिला 30 दवा को दो दो बूंद दो दो घंटा पर पीने के लिए दे, बहुत जल्दी कान का दर्द समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों आप प्लैंटेंगो क्यू दवा को 2 से 3 बूंद कान में डाल दें, बहुत जल्दी कान का दर्द समाप्त हो जाएगा। प्लैंटेंगो क्यू दवा को आप कान में डालें। दोस्तों हमने जितने भी लक्षण के बारे में बताया, यह सभी लक्षण कैमोमिला दवा का लक्षण है। तो दोस्तों अगर बच्चे 6 महीने से नीचे के हैं तब आप डायरेक्ट दवा ना दें, पानी में बनाकर बच्चे को दवा पिलाएं। तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया था। वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा।